This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioned at Shalibanda, Hyderabad. Avoid gutka and cigarette. A cancer patient who is undergoing treatment at Nilofer Hospital appeals to public avoid the dangerous refreshments. It will be destroy the life. Reported by Sheikh Ahmed and cameraman Chokat. आज यहाँ मैं टोलचा की आइटम्स होटल के एरिया में मौजूद हूँ। आज इस शख्स को आप देख सकते हैं जो आजकल की हुकूमत, जो तेलंगाना हुकूमत में नौजवान जो गुटके खा रहे हैं उस वजह से इस शख्स का क्या हुआ, आइए मजीद मालूमात हमारे कैमरामैन चौकस के साथ हम मालूमात करते हैं। आइए भाई, आपका नाम क्या है? देवाशीष सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कोलकाता के हैं। आप यहाँ पे कैसा है हैदराबाद में? कितने साल से आप? 15 साल से। यार आपको ये जो हुआ, ये जो भी आपको परेशानी, जो प्रॉब्लम है, इस वजह से क्या है, हमारी तरह आवाम को बताइए। गुटखा खाने से हुआ, अफसर से धुआ है, मेरे को अंदर से धुआ है, अफसर गुटखा है, नाकों का पान गुटखा, सिगरेट कुछ चाय एल्कोहल, ये गुटखा खाना चाय खाना यही बात है, अफसर से धुआ है, कोई भी ज़्यादा नौजवान बच्चे ये गुटखा नाकों का चप्पे खाने पान टपकाने जाने का जरूरत नहीं। आपको ये कैंसर हुआ, क्या हुआ? कैंसर हुआ था, अभी अच्छा हो गया। कहाँ पे इलाज चल रहा आपका? ये मुजफ्फर हॉस्पिटल रखी का। डॉक्टर ने क्या बोला, अभी कंप्लीट हो गया आपका इलाज? तो आजकल की जो जो जनरेशन है, जो तेलंगाना हुकूमत के जो सारे जो आपको देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाम, उनको क्या मैसेज देनी है? आप ये खा रहे से क्या नुकसान हुआ आपको, और पब्लिक को और मैसेज क्या देना चाहिए आपको? मेरा मतलब है आप लोग नहीं खाना गुटखा, गुटखा खाने से फिर भी आप लोग खा रहे हैं गुटखा, बोलने से मेरे को मेरा से दुआ है। अभी आप कहाँ पे रहते हैं? आपका कहना ये है कि शख्स का कहना ये है कि यहाँ ये गुटखा खाने से ये 15 साल से यहाँ हैदराबाद में मौजूद है, कलकत्ता में रहते थे मुकामी, यहाँ ये शख्स जो है होटल में काम करके मेहनत मजदूरी करके अच्छी सी जिंदगी गुजार सकता था, मगर आज इनकी हालत इनके हाथों से हुई है। तो मैं तमाम आवाम से अपील करना चाह रहा हूँ, जो नौजवान हमारे बच्चे जो गुटखे खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं नशे नौकरी का जो शौक कर रहे हैं, तो आपसे अपील है और आगे इनकी मदद कर सकते हैं, जो भी आप इनकी मदद करना चाहिए हमारे चैनल के जरिए, जो जो भी आवाम देख रही है। ये फिलहाल मेहदीपट्टनम पे रहते हैं, आइटम होटल के पास ये मांग के अपना ज़िंदगी गुजार बसर कर रहे हैं। आगे देखते रहिए A18 तेलंगाना न्यूज़ में अच्छी बुरी खबर। चार साल से आप? तो आप कितने साल से खाते थे पूरी बचपन से? नहीं, मैं जब 8 क्लास में पढ़ा था तब से चालू करते थे। आप कहाँ के रहने वाले? कलकत्ता। कलकत्ता से इधर कैसा आ गया? ऐसे आया था, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ था, बोल के आया। कितने साल से आप हैदराबाद में? हैदराबाद 15 साल हो। 15 साल से आप? 15 साल से आप हैदराबाद में कहाँ रहते, क्या करते? कलकत्ता रहते। अच्छा, तो ये कैसा हुआ, पूरी खाने से हुआ आपको? सागर गुटखा खाने से हुआ, मैं मुजफ्फर में एडमिट था 3 महीना। तो कैंसर हुआ ये? मुजफ्फर में ऑपरेशन करे अंडा से। तो कैंसर अभी ख़त्म हो गया आपका? बात खत्म। तो लोगों को ये आजकल के जवान जो बच्चे हमारे, जो आजकल की जो आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहिए, ये खाना या नहीं खाना? या खाना मैं तो अंडा से दुआ कर रहा हूँ, मेरी काफ़ी अच्छा बच्चा खा रहे, क्या बोल रहे बोलो, अल्लाह से जो शुक्र है भाई, कोई भी ना पकड़ो तब भी खा रहे। ये खाने से नुकसान क्या है और नहीं खाने से नुकसान क्या है एक बार? खाने से नुकसान है सर, नहीं खाने से नहीं अच्छा रहते है, खाने से भी अच्छे हो रहे, गुटखा सिगरेट सब पी रहे, गुटखा का जहर है, तमाकू है,